सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। पहली बात है कि हम नेचर को ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम कितना भी रिसर्च करें, हम साइंस में कितनी भी तरक्की करें, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम चाके भी उसकी जानकारी हमें नहीं होगी। तो हम जब भी पूरे नेचर के बारे में, नेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो हमें नेचर को भी संभालना चाहिए। नेचर कभी बोलता नहीं, लेकिन बोलता नहीं इसमें हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भी कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये नेचर का रिएक्शन है। तो नेचर को संभलते हुए जो भी स्थिति निर्माण होगी उसके साथ फाइट करने का जज्बा हम सब में आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि ऐसे स्थिति में अमेरिका, यूरोप जो काफ़ी एडवांस कंट्रीज़ है, उनको भी इस महामारी का एहसास नहीं था और उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो एक अलर्ट सिस्टम और एक क्राइसिस अलर्ट एक मैकेनिज्म, ये हमें डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसका इसका एहसास या इस कोई भी अगर डिज़ास्टर हो रहा है या कोई वैश्विक महामारी आ रही है, कोई पैंडेमिक आ रहा है, तो उसका अलार्मिंग बेल क्राइसिस के लिए एक सिस्टम सेट करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, हम जो हर समय करते थे वो हम नहीं कर रहे हैं, पूरा जग रुका है, तो फिर अभी क्या। तो डिजिटल इकोनॉमी को हमें सोचना पड़ेगा, उसको क्राफ्ट करना पड़ेगा। अमेरिका में, यूरोप में और कंट्रीज़ में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में ये डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से हम एजुकेशन में ला सके, हम महानगर पालिका शासन के माध्यम से लोगों को देने वाली इन्फॉर्मेशन में ला सके, उसके बावजूद हम खुद का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सर्वाइवल उसमें कैसे करें, उसकी क्राफ्टिंग काफ़ी विचार के साथ करना ये काफ़ी ज़रूरी है।